अब मैं वही करूंगी जो बाबा चाहेंगे। तुम मुझे छोड़ दोगी? छोड़ चुकी हूँ। आइंदा मुझे फोन करने की या मेरे घर आने की कोशिश मत करना। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? मैं क्या जवाब दूंगी सबको? जैन, जैन! ना जाने कब से इस घर में ये आग पिचोली का खेल खेला जा रहा था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। ज़हीन, तुम बताओ सच क्या है, बताओ। ज्यादती कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ, उस झूठी लड़की की बातों पर एतबार कर रहे हैं। क्या चाहते क्या हैं आप? अगर मुझे उस गुनाह की सजा देना चाहते जो मैंने किया ही नहीं है तो ठीक है, मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सजों से शादी नहीं करूंगा। ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं ज़हीन। इस तरह चीखने चलाने और वजाहतें देने से तुम खुद को सच्चा और उसको झूठा साबित नहीं कर सकते। और वैसे भी कल जो कुछ हुआ ना इस घर में, हम सब ने अपनी आंखों से देखा है, और तुम्हारे मैसेजेस इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं कि तुम्हारा सज्जो के साथ चक्कर था। आप मेरे मामला से दूर रहें। मुझे सिर्फ अम्मा अब्बा से बात करनी है, मुझे इनकी गलतफहमी दूर करनी है, और कोई भी मेरे बारे में जो भी सोचता है मुझे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं। तुम्हें परवाह नहीं, हमें परवाह है, क्योंकि मेरी बीवी तुम्हारी वजह से घर छोड़कर चली गई है, और वो जाते वक्त धमकी देकर गई है कि तुम सज्जो से शादी के लिए ना माने तो इस घर में दोबारा कदम नहीं रखेगी। इसकी जगह अगर ये हरकत मैंने की होती ना, तो आप लोग ना जाने मेरे साथ क्या सलूक करते। लाडला है ना ये आप दोनों का, इसलिए इसकी हर गलती हर गुनाह माफ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। जिस घर में मुझे वजाहत का मौका ना दिया जाए वहां रहकर मैं सिर्फ अपना वक्त जाया कर रहा हूँ। जा रहा हूँ मैं इस घर से अभी इसी वक्त। खबरदार, जो घर से कदम बाहर निकाला तुमने, अपनी माँ की हालत देख रहा हूँ तुम। अब्बा मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं, किसको जाकर सफाई पेश करूँ, किसको जाकर अपनी फरियाद सुनाऊँ? अम्मा, मैं आपका बेटा हूँ, आपने मेरी तरबियत की है, आपने कैसे सोच लिया कि मैं इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता हूँ? आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं अम्मा, मैं देखता हूँ कैसे को बचाता है इसे। बात तो सुन, आराम से, लड़ना नहीं है, पता है ना बहन का ससुराल है। अम्मा हम भी इज्जतदार लोग हैं, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। ये क्या हो रहा है, ये क्या बदतमीजी है? ये सवाल हमारे बेटे से पूछे, हमारी बहन की इज्जत पर हाथ डाला इसने। क्या कर रहे हो ये, छोड़ो मुझे। मेरी मासूम बहन को प्यार का झांसा देकर जलील किया तुमने, उसे कमरे में बुलवाता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा। निकले यहाँ से, अनवर भाई इनसे कह दे यहाँ से अभी चले जाएं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे चले जाएं? जरूरत कैसे है हमारे घर में गुंडों की तरह घुसकर मुझ पर हाथ उठाने की? अरे तुम शुक्र मनाओ कि मैं पिस्तौल साथ लेकर आए, वरना जो बेगैरती तुमने की है ना, तुम्हारा काम आज ही तमाम कर देते। बस कर दो तुम लोग, इस मोहल्ले में हमारी कुछ इज्जत है, इस तरह तुम लोग शोर शराबा करोगे तो लोग क्या कहेंगे? खाला हम भी इज्जतदार लोग हैं, हमने भी 10 लोगों को जवाब देने, आपके बेटे ने हमारे घर की इज्जत पर हाथ डाला है, कौन करेगा हमारी बहन से शादी? झूठ है ये, इन सब ने अपनी आंखों से देखा है कैसे तुम्हारी मासूम बहन को कमरे में बुलाकर बरगला रहे थे। सिर्फ मेरा बेटा जिम्मेदार नहीं है, तुम्हारी बेटी भी उतनी ही जिम्मेदार है, उसकी खबर लो ना जाके। देखो बहन, हम यहाँ लड़ने नहीं आए, और मैं इसको भी बहुत समझा के लाई थी कि वहाँ जाके लड़ना नहीं है, बल्कि इस नाजुक मौके पे तो लड़ने के बजाय अभी इस मसले का हल सोचना चाहिए ना। कैसा हल? तुम्हें हमारी बहन से निकाह करना पड़ेगा। क्या जी? तुम्हें उसका पीछा करना है हर जगह हर वक्त, और पिटाई भी लगा देना उसकी, लेकिन बहुत ध्यान से, ऐसी जगह पर जहां कैमरे वगैरह का कोई वजूद ना हो। मैं दोबारा कॉल करूंगा। अरे आइए आइए बैठिए। ये लो भाई। जनाब जो कुछ तुमने कहा था वो सब लेकर आ गया। और ये डायमंड की अंगूठी है, और ये कुंदन का सेट है, किराए पर लिया है, पूरे 50,000 रुपए का। परफेक्ट। आप लोगों ने एहसन साहब को बताना है कि ये मेरी मरहूमा माँ की शादी के जेवरात हैं, लेकिन आज जाने की जरूरत नहीं, जिस दिन बात पक्की होगी उस दिन चाहिए।
मगर ये डायमंड की रिंग आप अपने साथ ही ले जाए। अगर आज एहसन साहब मान गए तो मैं आज ही सारा कोई रिंग पहना दूंगा। अब दोनों मेरी बात गौर से सुनिएगा। ये शादी नहीं करूंगा, किसी कीमत पर नहीं करूंगा। हौसला रख बेटा, हौसला रख, हम बात कर रहे हैं ना। अब्बा ये लोग यहाँ बात करने नहीं आए हैं, अपना फैसला हम पर थोपने आए हैं। ये सब मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मुझे बदनाम करके, बेबस करके, मजबूर करके अपनी बददिमाग बहन को मेरे पल्ले बांधना चाहते हैं। बेटा तुम चुप करो, हम हैं ना यहाँ पर, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं होगा। अब वक्त तुम्हारी मर्जी का नहीं रहा, बात पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है। कल को लोग हमें आकर ताने देंगे, हमारी बहन के किरदार पर कीचड़ उछालेंगे, हम क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को, क्या जवाब देंगे, और इतनी बदनामी के बाद कौन शादी करेगा हमारी बहन से। ये सब उसे पहले सोचना चाहिए था। जिस लड़की को अपनी इज्जत और पारसाई का ख्याल नहीं तो कोई और उसकी क्या इज्जत करेगा। जैन तुम चुप हो जाओ, बात कर रहे हैं ना। अब अगर मेरी मर्जी के खिलाफ आप लोगों ने कुछ भी किया ना तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो चले जाओ, अभी इसी वक्त जाओ और पलट कर अपनी शक्ल मत दिखाना दोबारा। जा रहा हूं मैं, कभी वापस नहीं आऊंगा मैं यहां। ज़हीन रुक जा, ज़हीन ज़हीन जाओ, जाओ रोक उसको, जाओ ज़हीन। ज़हीन क्या कर दिया तुमने, सारी बात बिगाड़ दी ना, अब जा रोक उसे जाकर। फिकर ना करें, रात तक वापस आ जाएगा और कल ही हम इन दोनों का निकाह पढ़वा देंगे। इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। पता नहीं कहां चला गया वो इतनी रात को, फोन भी तो नहीं उठा रहा। यही कहीं होगा, अनवर ढूंढ के ले आएगा उसको, कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा मिलाता हूं। हेलो जहीन, कहां हो तुम भाई, फौरन घर आ जाओ ना। जिस घर में मेरी सुनी ना जाए, मुझ पर एतबार ना किया जाए, वहां वापस आकर क्या करूंगा मैं। अगर उन लोगों ने हमें ब्लैकमेल करना ना छोड़ा तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। उनको साफ साफ मना कर दे, मैं सज्जो से किसी कीमत पर शादी नहीं करूंगा। बात तो सुनो ज़हीन। अरे ज़हीन कहाँ है वो, क्या कह रहा था वो? शादी के लिए राजी नहीं है, इस मसले का कोई और हल ढूंढना पड़ेगा। या अल्लाह, ये बैठे बैठे किस आजमाइश में डाल दिया। अब तो मोहल्ले वाले भी आके पूछने लगे, खानदान वालों में भी बात फैल चुकी है। सज्जो को बहू बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। यार इन्होंने तो जलील रुस्वा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समझ नहीं आ रही करूं क्या मैं, मेरी उम्र भर की इज्जत और नेक नामी दांव पे लगी हुई है। ज़हीन को हमारा फैसला मानना ही पड़ेगा। आपके बेटे ने हमारे घर की इज्जत पर हाथ डाला है, कौन करेगा हमारी बहन से शादी? तुम्हें हमारी बहन से निकाह करना पड़ेगा। Thank you.
जैसे शफीक इंसान का हाथ सर पे हो तो कामयाबी यकीनी है। वह आज बड़ा खुशकिस्मत है कि इसके सर पर आप जैसे शफीक और मेहरबान इंसान का हाथ। बहुत तारीफ करता है ये आपकी और आपकी मिसेज की। ये खुद बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी परवरिश की आप लोगों ने इसकी। इनफैक्ट पूरा ऑफिस इसकी काबिलियत की मिसालें देता है। सर ये लोग मेरे माँ बाप से बढ़कर हैं मेरे लिए। इतने एहसानात हैं इनके कि मैं बयान भी नहीं कर सकता। सगे माँ बाप से बढ़कर मेरा ख्याल रखा है इन्होंने। इन्होंने तो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर दी, अब तुम्हारी बारी है। अपने मतलब हैसियत बेटे, अब तुमने अपने फ़राइज़ निभाने हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह के फजल से हम अपने सारे फ़राइज पूरे कर चुके हैं। बस अब इसकी शादी के फर्ज से सुबुकदोश होना चाहते हैं। हमारी नज़र में तो बहुत सारी लड़कियां हैं और ख़ानदान वालों में भी बहुत से लोग इसका रिश्ता मांगते हैं, मगर इसने एक अनहोनी सी ख्वाहिश का इजहार किया है। हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे कहें, कहाँ आप लोग और कहाँ हम। आप लोग जो भी कहने आए हैं प्लीज़ कहिए। दरअसल वहाज आपकी बेटी सारा के लिए पसंदीदगी रखता है और हम बाकायदगी से उसका हाथ मांगने आपके पास आए हैं। हमने इसे बहुत समझाया है असल साहब, आपके और हमारे स्टेटस में बहुत फर्क है। हम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, आपके और हमारे स्टेटस में इतना फर्क है कि इसे पाने के लिए हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग कभी सोच भी नहीं सकते। देखिए ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ। स्टेटस का फर्क मेरे सामने कोई माने नहीं रखता। ये तो आप कह रहे हैं ना, क्योंकि आपकी एक अच्छे और सुलझे इंसान की सोच है, मगर हर कोई ऐसे तो नहीं सोचता ना। और हो सकता है सारा को भी इस स्टेटस के फर्क पर एतराज हो। जाहिर है आसाइशों की आती है वो, और इस घर में तो वो शहजादियों की तरह रही है और एहसन की तो बहुत लाडली है। किसी मामूली इंसान के साथ उसका गुजारा करना बहुत मुश्किल है, और हमारे घर में सारा के लिए एक से एक बढ़कर रिश्ता आ रहा है। वहाज एक बहुत अच्छा लड़का है, मुझे पसंद भी है। मुझे वैसा शरीफ और ईमानदार दामाद मिलने से बढ़कर और क्या है, बट एट द सेम टाइम मेरी बेटी की खुशी और राय भी बहुत अहमियत रखती है। मैं उससे पूछ कर ही आप लोगों को जवाब दे सकता हूँ। सर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अरे सर बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि आपने मुझे इस काबिल समझा। क्या कर रहे हो तुम? प्लीज मुझे बैठने दीजिए अपने कदमों में। सर सारा का जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मैं तो बस यही सोचकर खुश हो रहा हूँ कि आपने मेरे हक में फैसला किया। मुझे यकीन है कि सारा आपकी बात का मान रखेगी। सर आप एक बहुत अजीम इंसान हैं। यहाँ आने से पहले मेरे दिल में खदशात थे, मैं तो बहुत बहुत डर रहा था कि आप जैसे बड़े इंसान से आपकी बेटी का हाथ कैसे मांगूं मैं। सच बोलूं तो मुझे तो 1% भी यकीन नहीं था कि आप इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। मगर सारा ने तो अभी तक हाँ नहीं की, हमें सारा की मर्जी भी तो पूछनी है ना। शास्मा हम लोग जो भी फैसला करेंगे सारा की मर्जी और खुशी से करेंगे। आप लोग हमारे घर आए, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अब हमें भी इजाजत दे असल साहब, आपकी हाँ का शिद्दत से इंतजार रहेगा। शाजमा की बात का बुरा मत मानिएगा, दरअसल वो जानती है कि मैं सारा के मामले में कितना जज्बाती हूँ। वो मेरे लिए बहुत कीमती और अनमोल है। माफ कीजिएगा मैं इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले सकता। सर मैं आपसे वादा करता हूँ सारा आपके तसव्वुर से ज्यादा मेरे लिए अनमोल और कीमती रहेगी। मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा, उसको बहुत खुश रखूंगा, कोई दुख या दर्द उसके करीब से भी नहीं गुजरेगा, वादा करता हूँ।
ठीक है इंस्पेक्टर साहब, ओके थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ पता लगा कि लोगों ने हरकत की है? पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है मगर कुछ पता नहीं चल रहा। उन लोगों ने वीडियो भी निकाल कर देखी है। जहीन उस वक्त फुटपाथ पर था जब मोटरसाइकिल पे कुछ लोग आए और उसे मारना शुरू कर दिया। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? मेरे घर को किसकी नजर लग गई? रात के अंधेरे की वजह से बाइक की नंबर प्लेट भी नजर नहीं आई, इसी वजह से पता चलना मुश्किल हो रहा है। मगर आप फिक्र मत करें, पुलिस ढूंढ रही है उन्हें। बस आप दुआ करें कि सुबह तक कोई खैर की खबर आ जाए। एक बार पता चल जाए तो मैं छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को। ये जरूर तुम्हारे ससुराल वालों का काम है। ये जलील हरकत, बल्कि मुझे यकीन है कि सही हरकत वही कर सकते। अरे नहीं अब्बा जान, वो लोग इस हद तक नहीं जा सकते। वो किस हद तक जा सकते मुझे पता है, मैं जानता हूं उन लोगों को। वो सज्जो को हमारे घर की बहू बनाने के लिए किसी हद तक जा सकते। तुम ठंडे दिल और दिमाग से इस प्रपोजल पर सोचो। मैं अभी बाज को इनकार नहीं कर सकता। उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। इस महीने की 25 तारीख तय हुई है, शादी से निकाह करेंगे और 2 महीने के बाद सज्जो को रुखसत करके लेंगे। अखियां नु तेरी दीद दी पनाह चाहिए। मुझे समझ नहीं आया, आखिर तुम इस रिश्ते के खिलाफ क्यों हो? अच्छा खासा लड़का है वहाँ, कितने सालों से तुम उसे जानती हो? मैं बस ये नहीं चाहती कि आप सारा की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करें। कल को लोग मुझे इल्जाम देंगे कि मैंने सुतेलापन दिखाकर सारा की शादी अपने मिडिल क्लास फ्रेंड से कर दी। अब बेला और सारम को क्या जवाब देंगे, उसको किस तरह से मुतमईन करेंगे? मैं मानती हूँ हाज एक होनहार और शरीफ लड़का है, लेकिन शादी के लिए और भी बहुत सी चीजें देखी जाती है सर। अच्छा प्लीज यास्मा, आहिस्ता बोलो। मैं नहीं चाहता कि सारा को ये बात पता चले। मैं कोई मुनासिब वक्त देकर सारा से बात करूंगा। आप ज्यादा डिले मत कीजिए, आज ही सारा से बात कीजिए और आज उन लोगों को जवाब दीजिए। अगर सारा ने वहाज के हक में फैसला किया ना, मैं आपको बता रही हूँ मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आप मेरे कहीं और रहने का बंदोबस्त कर दें बस। क्या मतलब? मैं जानती हूँ आप वहाज को घर दामाद बनाने का इरादा रखते हैं। शादी के बाद तो ये घर सारा और वहाज का कहलाएगा। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं इस घर में किस हैसियत से रहूंगी? मेरी तो कोई औलाद भी नहीं है, मेरा तो कोई ऐसा है भी नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। तो मैं कौन हूँ? क्या मैं तुम्हारा अपना नहीं हूँ? शासमा आजकल तुम इतना इनसिक्योर क्यों हो रही हो? क्योंकि मेरी कोई औलाद नहीं है हसन, और ना ही हो सकती है। अगर आपको मेरी खुशियों की परवाह होती ना, तो उस दिन मुझसे इतनी ज्यादा बहस ना करते आप। पहले तो तुम्हारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी, अब अचानक क्या हो गया? पहले हालात अलग थे, अब हालात अलग है। ये बात सच है कि कल तक मेरे दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन आज है। और आपने मुझे सिक्योरिटी के नाम पे दिया है क्या है? क्या चाहती हो? आपको 2 ऑप्शंस देखो ऐसे। या तो मुझे मेरी औलाद चाहिए, या सिक्योरिटी के तौर पे ये घर मेरे नाम लगा दो। व्हाट? बाबा, इसको जितना पैसा जितनी जायदाद चाहिए इसको दे रही, लेकिन ये घर किसी सूरत इसके नाम नहीं करेंगे आप, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये घर इनकी मलकियत है। जिस तरह से तुम बेटी होने के नाते इनकी हर चीज पर हक रखती हो ना, मैं भी बीवी होने के नाते इनकी हर चीज पर हक रखती हूँ, और मुझसे मेरा हक कोई छीन नहीं सकता। अब देखो, कोई किसी का हक नहीं छीन रहा, तुम दोनों को क्या हो गया? बाबा, इस घर में मेरी मरहूम माँ की यादें हैं। आप किसी सूरत ये घर इस औरत के नाम नहीं करेंगे। और दूसरी बात, मैं किसी ऐसे शख्स के साथ शादी नहीं करूंगी जिसका शाजमा के साथ कोई भी ताल्लुक रह चुका हो। वहाज के लिए आप मेरी तरफ से इनकार समझे। मेरा वहाज से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही वो लोग मेरे कहने पे तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे। मैं तो ऐसे ना बताए ना, मैं तो खुद इस रिश्ते के खिलाफ हूँ। आप बताते क्यों नहीं है? मुझे किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं सुननी, मैंने जो कहना था कह दिया। मिल गया आपको जवाब। अब Thank you.
मेरी बात से बात कराएं। हेलो सर, मैं सारा आपसे बात करना चाह रही हूँ। बात करवाएं मेरी। हेलो जहे नसीब, कैसे याद फरमाया? वेट, आपको हमारे प्रपोजल की खबर मिली है और आपने हमें पेश की मुबारकबाद के लिए कॉल की है, am I right? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई अपना प्रपोजल मेरे लिए लेकर आने की? किसी खुशफहमी में मत रहना वहाज, इस रिश्ते के लिए मैं साफ साफ इनकार कर चुकी और बाबा मेरी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते। क्यों, क्या बुराई है मुझे? वजह मैं बताना जरूरी नहीं समझती। वेल, बज़ाहिर तो इनकार करने की कोई वजह है नहीं और एहसन साहब मुझे अपना दामाद बनाने पर राजी और खुश भी। घर दामाद बन के रहने में शर्म नहीं आएगी तुम्हें? किस किस्म के मर्द हो तुम? मैं किस किस्म का मर्द हूँ इसका जवाब बता रहा। एक लड़की जो तुम्हें नापसंद करती है, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, उसे तुम जबरदस्ती शादी के लिए कैसे राजी करोगे? सारा सारा सारा, जबरदस्ती का कायल तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन ये दिल कहता है कि तुम मेरी हो और जब एहसन साहब राजी हैं तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हें भी जल्द मना लेंगे। ये खुशफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। जिंदगी एक बार मिलती है और उसको मैं बाबा की जिद पे कुर्बान नहीं कर सकती। अगर तुम्हें बाज के प्रपोजल पे महज इसलिए एतराज है कि वो शाजमा का दोस्त था तो तुम गलत कर रही हो। आजकल बाज जैसे शरीफ और अच्छे इंसान कहाँ मिलते हैं? आज ने आपसे जो कुछ भी कहा उसके बाद भी आपको लगता है कि वो आपके साथ सिंसियर, उसे आपकी दौलत और आपकी जायदाद में कोई इंटरेस्ट नहीं? ऐसी कोई बात नहीं सारा, वो बस तुम्हारी शादी का सुनकर इनसिक्योर होगी। उसे लगा कि घर दामाद की मौजूदगी में वो थोड़ी अनकंफर्टेबल होगी। क्या हो गया अगर उसने मुझसे घर की फरमाइश कर दी? मैंने तुम्हारी माँ के नाम भी अच्छी खासी जायदाद की थी। आप उसका कंपैरिजन मेरी माँ के साथ मत करें प्लीज। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये वहाज का प्रपोजल मुझे शाजमा की वजह से आया। मैं कभी भी उससे शादी नहीं करूंगी। ठीक है, मैं भी अपना कोई फैसला तुम पर थोपना नहीं चाहता, तुम्हें वक्त दे रहा हूँ सोचने के लिए। तुम्हारा टेम्परेचर और एटीट्यूड देख कर ही मैंने ये फैसला किया है कि वहाज जैसे एक सिंपल और सादा इंसान ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, जो तुम्हारे सामने तबे मेरी इज्जत करे, रवायती शौहरों की तरह तुम पर अपना हुक्म न चलाए, मेरे साथ कारोबारी हाथ बटाए। अरे तुम मेरे सामने रहो इसी घर में। तो यूं कहे ना, आप मेरे लिए शौहर नहीं बल्कि अपना मनपसंद घर दामाद ढूंढ रहे हैं। अगर वो आपको इतना ही पसंद है तो अपना उसे मुंह बोला बेटा बना के घर में रख लें, मुझे कोई एतराज नहीं। मैंने तुम्हें अपनी पसंद से आगाह कर दिया, अब अगर वहाज से शरीफ और अच्छा लड़का तुम्हारी नजर में है तो मुझे बता दो, मैं बात यहीं खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम फिर कोई उल्टी सीधी हरकत करके सोसाइटी में मेरा नाम बदनाम करो। बड़ी मुश्किल से इज्जत और नाम बनाया मैंने, उसे मैं रूमी जैसे बेकार और फजूल लड़कों के नाम पर कमाना नहीं चाहता। मैंने रूमी का जिक्र तो नहीं किया बाबा। करना भी मत, इसी में तुम्हारी भलाई है। देखो मैं तुम्हें सोचने के लिए वक्त दे रहा हूँ। तुम ठंडे दिल और दिमाग से इस प्रपोजल पर सोचो। मैं अभी वहाज को इनकार नहीं कर सकता, बहुत चाव और मान से उन्होंने तुम्हारा हाथ मांगा, उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। गरक हो इन लोगों का, क्या हाल बना दिया मेरे बच्चे का। क्या आपको भी लगता है कि सजो के भाई ने ये सब कुछ करा है? ये जलील हरकत उनके अलावा और कौन कर सकता है? अरे पूरे का पूरा खानदान मिला हुआ है तेरे खिलाफ साजिश में।
मेरे मोबाइल से सज्जू को मैसेजेस किए किसने? शबाना के अलावा और किसका काम हो सकता है? उसी ने ना छुप छुपा के मैसेज कर दिए होंगे। मैंने तो अनवर को कहा था कि पर्चा कटवाए इनके खिलाफ, लेकिन वो तो है बीवी का गुलाम, तेरे अब्बा को लेकर गया है अपने ससुराल, अब सुलह सफाई करवा कर ही आएगा। मुझे तो डर है कि तेरा बाप और भाई उन लोगों को कहीं जबान ना दे दें। ताज़ा भी नहीं है आप लोगों को, जबरदस्ती की शादी करा के आप लोग मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल में डाल देंगे, और खुश सज्जू भी नहीं रहेगी अम्मा। मैं उस मक्कार लड़की को कभी कबूल नहीं कर सकता, पहले भी मैं उसको नहीं पसंद करता था और इस सब के बाद तो बिल्कुल भी। बेटा मुझे सिर्फ तेरे जान की फिक्र है, मुझे किसी की परवाह नहीं, भाड़ में जाए सब। अम्मा मैं उन लोगों के दबाव में नहीं आऊंगा, मैं सिर्फ अनवर भाई की वजह से खामोश हूँ अभी, वरना मैं उन लोगों को ऐसा सबक सिखाता कि मुद्दे तो याद रखते वो, और अब्बा को चाहिए था कि फौरन पुलिस में जाकर कंप्लेन कराते। वो बेचारे भी क्या करें, मजबूर हैं, खानदान की इज्जत दांव पे लगी हुई है। मुझे तो लगता है अब कोई ना कोई फैसला करके ही आएंगे वो। खानदान की इज्जत, खानदान की इज्जत, तंग आ गया हूं मैं आप लोगों की ये बातें सुन सुनकर। हम गरीबों के पास सिवाय इज्जत के होता क्या है? आप जज्बाती हो रहे हैं अब्बा, ठंडे दिलो दिमाग से इस मसले का हल सोचें। हल मैं सोच चुका हूं, अब मेरे फैसले के आगे तुमने सर झुकाना होगा। कहीं आप उन लोगों को हां तो नहीं कर रहे? कर दिया मैंने उन लोगों को हां। अब्बा शरीफ आदमी सिर्फ इज्जत से डरता है बेटा, और इज्जत से ज्यादा हमें तुम्हारी जान प्यारी है बेटा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मुझे अब्बा, कुछ नहीं बिगाड़ सकते वो लोग मेरा। बस अब इस मामले पर मुझसे कोई बहस ना करे, बहुत सोच समझ के इस रिश्ते के लिए मैंने हामी भरी है, इसी में दोनों खानदानों की बेहतरी है। नहीं अब्बा ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे बेटा मैं तो खुद उस चलाक और मक्कार लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती, लेकिन उन लोगों से अच्छे की उम्मीद नहीं है मुझे। यही तो वो लोग चाहते थे, यही तो प्लानिंग थी उन लोगों की कि आप लोग उनके दबाव में आकर उनका मुतालबा कबूल कर ले। नहीं बेटा, सिर्फ तुम ही नहीं, अनवर भी बहुत दबाव में, शबाना ने उसको धमकी दी है कि अगर जहीन सज्जू से शादी नहीं करेगा ना तो वो अनवर से तलाक लेके बच्चों को अपने पास रख लेगी। बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है बेटा, बहुत सारी जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं, तुम्हारे एक फैसले से ये मामला रफा दफा हो सकता है बेटा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ जहीन, इस रिश्ते के लिए मान जाओ। मानना तो पड़ेगा बेटा, इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। मुबारक हो सज्जू, उल्ट पहाड़ के नीचे आ ही गया। जहीन मान गया क्या? हाँ जहीन भी मान गया और उसकी मगरूर माँ भी मान ली। पता है जुम्मे को बकायदा रस्म करने के लिए आ रहे हैं वो लोग, झट मांगनी पट ब्याह करने का सोच रहे हैं हम सब। हाय मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा हम कितनी आसानी से अपने प्लान में कामयाब हो गए। ये वैसे सब कुछ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है, वैसे ये जहीन इतनी आसानी से मान कैसे गया? हाय सज्जू मैं क्या बताऊँ तुझे, कल ना किसी ने उस पर जानलेवा हमला किया है, बाल बाल बचाए वो तो। पता है उसके घर वालों को तो ना रजवान भाई पे शक था। क्या? और नहीं तो क्या। अरे मैं तो कहती हूँ जो हुआ अच्छा ही हुआ, कम से कम इस बहाने जहीन के घर वाले मान तो गए। मुझे तो डर ये था कि पता नहीं जहीन मानेगा या नहीं मानेगा, अब तो वो भी मान गया। मैं जहीन को फोन करके मुबारकबाद देती हूँ। कोई जरूरत नहीं उसे मुबारकबाद देने की, गुस्से में होगा अभी। पता है अनवर ने इतनी मुश्किलों से मनाया उसे, फोन करोगी तो कहीं बात और खराब ना हो जाए। मैं तो कहती हूँ थोड़े दिन सबर कर लो, थोड़े दिन सबर कर लो, फिर उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और शादी के बाद तो वैसे भी वो सब कुछ भूल ही जाएगा। थोड़ा अक्ल से और सबर से काम लो। चल उठ जाके गाजर का जूस लेके आ मेरे लिए। जा उठो। गर्मी भी किस कदर हो रही है। ये जहीन आजकल क्यों नहीं आ रहा? सर उसने इन्फॉर्म किया था कि उसकी तबीयत खराब है, अभी मजीद कुछ दिन वो ऑफिस नहीं आ सकेगा। इतने अहम मौके पर तो छुट्टी करना हिमाकत है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी गंवा रहा है वो। सर उसे कम से कम आपको फोन करके इत्तला तो देनी चाहिए थी,
वरना मैं किसी और से प्रेजेंटेशन की तैयारी करवा देता। बीमारी इत्तला देकर थोड़ी आती है, इतना गैर जिम्मेदार नहीं है, यकीनन कोई ना कोई वजह होगी। खैर हम बात कर रहे थे एक स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट के बारे में। सर तो रेट्स तो बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं। इस महीने की 25 तारीख तय हुई है, शादी से निकाह करेंगे और 2 महीने के बाद सज्जू को रुखसत करके ले आएंगे। इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हैं वो लोग? देखिए मैं आपसे कह रही हूं, हम अपने बेटे के साथ ना बहुत ज्यादती कर रहे हैं। जिस लड़की ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया उसी के साथ उसको सारी जिंदगी गुजारनी पड़ जाएगी। मैं तो खुद इस शादी के हक में नहीं था, लेकिन दिल पे पत्थर रखकर फैसला कर दिया। देखिए अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो ज़हीन पर एतबार कर लीजिए। ज़हीन मेरा बेटा है, मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ, वो झूठ नहीं बोल सकता। अगर वो कह रहा है कि उसने सज्जों को मैसेज नहीं किए तो वो यकीनन सच कह रहा होगा। अब मेरे यकीन करने या ना करने से क्या होगा, दुनिया तो इसी को गलत समझेगी ना। हमारी तरबियत पे लोग उंगलियां उठाएंगे, सज्जों से उसकी शादी हो जाए तो लोगों की ज़बानें ही बंद हो जाएंगी। अल्लाह करे ऐसा ही। तुम ठंडे दिल और दिमाग से इस प्रपोजल को सोचो। मैं अभी आज को इनकार नहीं कर सकता, उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। हेलो, कैसी हो सारा? यार तुम्हारी याद आ रही थी। मैं ठीक हूँ। तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा, ना तुम मिलती हो ना तुम किसी से बात करती हो। आई नो जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है तुम उससे डिस्टर्ब हो, लेकिन इस तरह तो तुम और डिप्रेस हो जाओगी। तो क्या करूं? घर से निकलो, हम कल तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट चलते हैं। मेरा कहीं जाने को दिल नहीं करता। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, तुम्हें कल आना ही होगा। मैं तुम्हें इस तरह उदास नहीं देख सकती। हम मिलके कल तुम्हारी उदासी भगाएंगे। तुम लंच पे आ रही हो, मतलब आ रही हो, सुन लिया? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, तुम्हें आना ही होगा। तैयार होकर कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब जितने गुल तुम खिला चुकी हो उसके बाद तो तुमसे पूछना बनता है ना कि इतनी तैयार होने के बाद अब कौन सा गुल खिलाने जा रही हो? अपनी दोस्त अलिश्पा के साथ लंच पर जा रही हूँ, जहाँ हमेशा जाती हूँ। और कुछ? ओके, अलिश्पा। अलिश्पा के साथ लंच पर जा रही हो या रोमी से मिलने जा रही हो? शट अप। मुझे चुप करवाने से क्या होगा? जमाने में जितनी जगह साई तुमने करवानी थी वो तो करवा ली अपने। वैसे तुम ना रूमी के ख्वाब देखना ना छोड़ दो, क्योंकि एहसन तुम्हारी शादी वहाज से कर रहे हैं। तुम तो ये जानती हो वहाज तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। बस देख लो, मुझसे पंगा लोगी तो ऐसे ही पछताओगी। किसी गलत फहमी का शिकार मत रहना, वहाज से शादी तो मैं किसी कीमत पर नहीं करूंगी। पता क्या सारा, मैंने जिंदगी में जिस चीज की ख्वाहिश की मैंने पाली। इस घर में आना चाहती थी सो आ गई। अब तुम्हारी शादी वहाद से करवा के ही दम लूंगी, ये याद रखना। मैं मर जाऊंगी मगर वहाद से शादी कभी नहीं करूंगी। देखेंगे देखेंगे।
आपने मुझे क्यों कॉल की है? मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता अब। मेरी बात गौर से सुनो रूमी। एहसन ने सारा की शादी वहाद से करने का फैसला किया है। तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है। सारा अभी अपनी फ्रेंड से मिलने अपने फेवरेट रेस्टोरेंट गई है। बोल रही थी वो वहाँ अक्सर जाती है। तुम्हें तो पता होगा ना, तुम जाओ और सारा से बात करो। मुझे पता है वो कहाँ जाती है, लेकिन वो शादी के लिए कैसे मान गई? रूमी ये बात अच्छी तरह समझ लो कि ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अगर तुम वाकई सारा से मोहब्बत करते हो और शादी करना चाहते हो तो उससे मिलो, उसे बात करके कन्विंस करो। लेकिन वो तो मेरा फोन तक रिसीव नहीं कर रही, मेरी बात कैसे मानेगी? और आपको क्या लगता है ये सब इतना आसान है? कोशिश करने से पहले ही हार तस्लीम कर लेना बुज़दिलों का काम है। अगर तुम इतना ही कम हिम्मत थे तो फिर अच्छा ही हुआ तुम्हारे साथ। सारा को तुम इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हो? ठीक है मैं निकल रहा हूँ, मैं उसे मनाने की आखिरी कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, गुड लक। बना जा।